हमारा एक पड़ोसी देश है, उसे आप पाकिस्तान कह लीजिए या आतंकिस्तान, दोनों का मतलब एक ही है। यह देश आतंकवाद को लेकर पूरी दुनिया के निशाने पर रहता है। अखा वर्ल्ड जानता है कि पाकिस्तान आतंकियों को पालता पोसता है और दुनिया में अलग अलग जगह हमले कराता है। हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक पर पाकिस्तान ने हमले कराए। इस आतंक ने पाकिस्तान का भी खूब खून बहाया, लेकिन कुत्ते की दुम ना तो आज तक सीधी हुई है और शायद ना कभी होगी। पाकिस्तान इन दिनों दुनिया भर में परिक्रमा कर रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि भारत ने कश्मीर पर जो फैसला लिया उसके खिलाफ कोई देश खड़ा हो जाए, लेकिन किसी भी देश से पाकिस्तान को मदद नहीं मिली। दुनिया के बड़े बड़े मुल्क ये कह चुके हैं कि भारत ने जो किया वो ठीक किया, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की अकल शायद घास चरने गई है। अब वो इस मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने वाले हैं। ये वही कोर्ट है जहां से कुछ महीने पहले इमरान खान को दुनिया भर के सामने बेइज्जती सहनी पड़ी थी। कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान की पूरी दुनिया में किरकिरी हुई और वैसी ही किरकिरी करवाने अब फिर से वो नीदरलैंड के द हेग में बने अंतर्राष्ट्रीय अदालत जाने वाले हैं। कोई इंसान बेइज्जती को दावत कितनी बेशर्मी से दे सकता है, ये इमरान खान से ही समझा जा सकता है। इमरान खान भी जानते हैं कि जब दुनिया का कोई इकलौता देश उनके साथ खड़ा नहीं तो इंटरनेशनल कोर्ट में जाने का कोई फायदा नहीं। हालांकि वो अपनी जनता को खुश करने के लिए अपनी इज्जत की बलि देने को तैयार हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट में कश्मीर के मुद्दे को मानवाधिकार का हनन बताते हुए उठाएगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर से ये भी आवाज उठ चुकी है कि इमरान खान के इस फैसले से कोई फायदा नहीं होने वाला। इससे पहले यूएनएससी में पाकिस्तान पहले ही इंटरनेशनल बेइज्जती का सामना कर चुका है, और वैसे भी पाकिस्तान को बेइज्जती की आदत है और कुछ लोग अपनी आदत से बाज नहीं आते, ये तो कहा ही जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।